मगध सूर्य पूजा का हमेशा से प्रमुख स्थल रहा है। देश के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में ज्यादातर बिहार में स्थित है। नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के हड़िया सूर्य मंदिर को उसी श्रृंखला की कड़ी माना जाता है। हड़िया को द्वापर युगीन सूर्य मंदिर माना जाता है। मंदिर और उसके आसपास पुरातात्विक महत्व की कई चीजें हैं जो मंदिर की गौरवशाली अतीत को बयां करती है। यहां सूर्य नारायण की दुर्लभ मूर्ति और प्राचीन सरोवर है। श्रद्धालु इसी सरोवर में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। हड़िया सूर्य मंदिर कुष्ठ से मुक्ति के लिए जाना जाता है। श्रद्धालुओं में आस्था है कि सरोवर में 5 रविवार स्नान करने से असाध्य कुष्ठ रोग से भी लोगों को छुटकारा मिल जाता है। छठ के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। पौराणिक धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनकी गलतियों के कारण श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया था, जिसके बाद सांब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे। सांब ने जब श्री कृष्ण से मुक्ति के लिए प्रार्थना की तब उन्हें 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण कराने को कहा गया। ऐसा माना जाता है कि सांब द्वारा निर्मित विभिन्न सूर्य मंदिरों में से हड़िया भी एक है। गया और नालंदा जिले की सीमा पर हड़िया अवस्थित है। ये राजगीर से 5 किलोमीटर और नवादा से 31 किलोमीटर दूरी पर है। वरिष्ठ साहित्यकार रामतरण प्रसाद सिंह रत्नाकर कहते हैं कि ये कृष्ण के प्रभाव वाला इलाका रहा है। मगध सम्राट जरासंघ का मुख्यालय राजगीर था। हड़िया के आसपास बड़गांव समेत कई प्रमुख सूर्य मंदिर हैं। मगध सम्राट जरासंघ की पुत्री धन्यावती भी राजगीर से हड़िया आती थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया की रिपोर्ट।